असलकुम, ये कैसे हैं आप सब? टेबल था जो आपको एक तरह से पहचान ली अलशेख मोबाइल शॉप से, एक बता रहे हैं कैसे जी। अच्छा जी, आज हम आपको रिव्यू करवाएंगे अपनी शॉप के हवाले से, गोज के हवाले से, बॉक्स पैक के हवाले से। अभी जैसे कि हमारे पास डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, उसमें हमारे पास है F21 Pro, ठीक है, 4 GB रैम, 8 GB रैम है, 128 GB मेमोरी के साथ है, गुड लुकिंग हैंडसम फ़ोन है, फ्रंट फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ है। इसमें जो एक मेन चीज़ है फ्रंट फिंगरप्रिंट सेंसर, और इसका जो बैक कैमरा है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और इसकी सेटिंग के हवाले से देखा जाए तो ये कलर ओएस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 इसका ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ऑक्टा कोर में ना आपको पता होगा कि 8 प्रोसेसर वाला फ़ोन है, 4500 mAh बैटरी के साथ है, 8 GB 128 GB मेमोरी है, ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त और गुड लुकिंग फ़ोन है। और इसका जो स्पेशलिटी है इसकी वॉक चार्जर की है, जो कि इसको फास्ट चार्ज करता है और तकरीबन हार्डली 1 घंटे के अंदर इसको मुकम्मल कंप्लीट चार्ज कर देता है, ठीक है। इसका बैक कैमरा आउटस्टैंडिंग है, और इसका फ्रंट सेल्फी इसकी वो भी ज़बरदस्त है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके एक फीचर की मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर गेस्चर मोड्स है, गेस्ट मोड्स के अंदर आप इसकी इसको प्रोग्रामिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत इजी वे है, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत और फ्लैगशिप डिवाइस है ये ओप्पो की F21 Pro। कंप्लीट बॉक्स के साथ है ये, और ये 8 माह वारंटी पड़ी हुई है इसकी, और ये यूज़ में आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रेट मिलेगा, वो हम डिस्क्रिप्शन में इसका रेट डाल देंगे। जिस कस्टमर ने लेना हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब सेकंड फ़ोन की तरफ चलते हैं, सेकंड फ़ोन हमारे पास आता है कैनन। अच्छा, अब सेकंड मोबाइल की तरफ चलते हैं। सेकंड मोबाइल का मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ, ये जो है Canon 19 Neo, बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त 5000 mAh बैटरी के साथ है, और इसकी डायमंड टेक्चर के अंदर इसकी शेप बनाई गई है। 48 MP की इसका बैक रेयर कैमरा है, और इसकी फ्रंट सेल्फी जो है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है कस्टमर्स को, कि 23 MP का इसका सेल्फी कैमरा फ्रंट। और ये इस टाइम की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि जितने भी मॉडल्स हम देखते हैं उनका 16 MP या 24 MP के अंदर आती है। ये वाइज फ़ोन है जो आपको 32 MP की फ्रंट सेल्फी दे रहा है, और सॉफ्ट लाइट सेल्फी दे रहा है, ठीक है। अब इसके हम डिस्प्ले की तरफ आ जाते हैं, इसका जो डिस्प्ले है वो 6.8 FHD डिस्प्ले FHD+ रेजोल्यूशन के साथ है, कि बहुत ही ज़्यादा VIP डिस्प्ले जिसे आप कह सकते हैं। 18 वाट का इसका फ्लैश चार्जर मिलेगा, और 5000 mAh बैटरी के साथ है फ़ोन। हीलियो G85 मेन गेमिंग प्रोसेसर है, कि इसके अंदर आपकी पबजी, आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी गेम हैं वो आप इसको आसानी से ये रन करेगा, चलाएगा। इसकी रैम की तरफ आए तो 6 जमा 5 टोटल 11 GB इसकी रैम बनती है, और 128 GB इसकी हार्ड है, ठीक है, इसकी रोम 128 GB है। हीलियो G85 का इसके अंदर प्रोसेसर है। बेसिकली ये जो प्रोसेसर है ये आपकी जितनी बड़ी गेम्स हैं इस टाइम के ऊपर, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, ठीक है, तो इन सारी गेम्स को ये अफोर्ड करता है, और उसको बआसानी और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसको चलाता है। इसकी डायमेंशन की तरफ अगर मैं आता हूँ तो 168.84 इसकी डायमेंशन बनती है, ठीक है। इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 1080x2460 की इसकी रेजोल्यूशन बनती है। फ़ोन की वैसे ओवरऑल मैंने ओवरलुक दे दी है, फ़ोन मेरे हाथ में भी है, और बहुत अलग डिवाइस है, तो इसका जो प्राइस है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और बहुत इंतहाई मुनासिब प्राइस में आपको ये अवेलेबल होगा। अब थर्ड फोन की तरफ आते हैं, थर्ड फोन हमारे पास आता है सैमसंग का, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है ये सैमसंग A51 बेसिकली एमोलेड डिस्प्ले के साथ है। सैमसंग आप सबको पता होगा कि एमोलेड डिस्प्ले ही देता है अपने फ़ोन्स के अंदर, और ये अपने टाइम की एक फ्लैगशिप डिवाइस है। और इसकी जो रोम है वो 6 GB, इसकी रैम 6 GB है, रोम इसकी 128 GB है,
फ्रंट फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ है और सेल्फी प्रोटेक्शन इसकी बहुत आला है। ग्लास जो इसके ऊपर, अच्छा मेन चीज़ अगर हम आते हैं सैमसंग की तरफ, तो इसके जो उनसे ग्लास हैं ऊपर, इसकी जो प्रोटेक्शन है वो गोरिल्ला ग्लास 5 इसके ऊपर सैमसंग यूज़ कर रहा है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी डिवाइस है। और इसकी बैटरी बैकअप के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ये 4500 mAh बैटरी के साथ है, कि अगर आप इस कॉल मैसेजेस पर लेकर चलते हैं तो आपको ये 2 दिन लेकर जाएगा। 2 डेज़ इसकी बैटरी टाइमिंग है। अगर आप इसके ऊपर नेट वगैरह यूज़ करते हैं तो ये आपको 1 डे बासानी लेकर जाएगा। इसके साथ इसका बॉक्स चार्जर कम्प्लीट है और इसकी प्राइस भी बहुत ही मुनासिब और इतहाई VIP हो गए इंशाल्लाह। वो हम डिस्क्रिप्शन में इसके प्राइस आपको शो करवा देंगे, ठीक है भाई के चैनल के तरफ से। जितने चीज़ें इसके अंदर मैंने आपको बताई हैं वो 110% श्योर है। नहीं खुला हुआ, ओपन नहीं है, रिपेयर नहीं है, बाकी गुड लुकिंग फ़ोन है, हैवी फ़ोन है, ठीक है। तो अगर जिस कस्टमर ने लेना हो, ठीक है, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब इससे अगली डिवाइस जो है वो हमारे पास आती है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 7, जो कि इस टाइम का कम प्राइस में, यानी कि 32,000 से 35,000 रुपये की रेंज के अंदर ये प्रोडक्ट बहुत ही आला चल रहा है। अब इसकी बेसिकली कंपनी ने यहाँ पर फ्रंट पर शो करवाया 7 GB रैम। अक्सर कस्टमर ये पूछते हैं कि यार ये किस तरीके से, ये कंपनी ने 4 इसकी ऑफिशियल है, 4 GB रैम ऑफिशियल है, 3 GB इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है रैम का, यानी कि टोटल 7 GB रैम बन जाएगी और 64 GB मेमोरी बन जाएगी। 5000 mAh बैटरी के साथ 6.6 का HD+ डिस्प्ले है इसका। HD+ यानी कि बिग HD+ एमोलेड से 1 पॉइंट नीचे आता है HD+, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा फ़ोन है और इसकी जो शेप दी गई है और इसके ऊपर जो सा इन्होंने टेक्चर दिया है 3D टेक्चर, ये जो इसके टेक्चर्स हैं ये इसको बड़ा प्रोमिनेंट करते हैं इस चीज़ को। और 13 MP का इसका रेयर कैम है, 5 MP इसका फ्रंट कैम है और फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक के साथ है। सुपर इंड्योरिंग स्मूथ इसका टच है, ठीक है। बाकी फ़ोन इस बहुत ही आला और बहुत ही सुपर इंड्योरिंग, ये देखेंगे फ्रंट पर सुपर इंड्योरिंग स्मूथनेस इसकी लिखी हुई है कंपनी ने, ठीक है। बाकी डिवाइस भी खूबसूरत है और चलने में भी बेहतरीन है। ये प्राइस अभी अगर मैं इसके शो करवा दूँ तो ये तकरीबन आपको बन जाएगा 25,000 का इस टाइम मौजूदा। और अगर हम बॉक्स बैग तरफ जाते हैं तो ये कम से कम आपको 10,000 का सस्ता मिलेगा, ठीक है। इसकी 11 माह वारंटी पड़ी हुई है, बाकी लीडिंग फ़ोन है इस टाइम का, सबसे ज़्यादा सेल होने वाला। अच्छा जी, ये एक और प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इस टाइम की सबसे लीडिंग और सबसे टॉप की डिवाइस है, Neo 7 Ultra, ठीक है। अगर आप ये मैं आपको ये डिवाइस दिखा रहा हूँ, अगर आप इस तरह थोड़ा सा कैमरा लेकर आएंगे, हमारे राणा साहब है, इनको भी मैंने Neo 7 Ultra ही ये यूज़ कर रहे हैं। राणा साहब कैसा चल रहा है फ़ोन? बड़ा बेहतरीन, बेस्ट चल रहा है जी, बेहतरीन है। अब ये इसका बॉक्स है और इसकी 11.5 माह घंटी पड़ी हुई है ऑफिशियल, ठीक है। अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है, 6 GB रैम है, 128 GB मेमोरी है, 6 GB रैम, 128 GB मेमोरी, 5000 mAh बैटरी के साथ है। रिफ्रेश रेट इसका आपको मिलेगा 90 Hz, 6.52 इसकी HD स्क्रीन है और 50 MP इसका कैमरा है और प्लस इसका जो सेकंड कैमरा है वो 2 MP में आता है, 13 MP की इसकी फ्रंट चलती है और गुड लुकिंग और स्मार्ट फोन है। बेसिकली इस फोन की जो प्रोडक्ट है, जो चीज़ है बैक है वो स्क्रैच प्रूफ है, ठीक है। कि अगर आपकी वो चीज़ इसके पीछे लग जाएंगी तो ये इसके ऊपर निशान नहीं आएंगे, ठीक है। और इसका जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले मैं आपको चेक करवाता हूँ, डिस्प्ले भी इसका बड़ा ही ऑसम डिस्प्ले है। तो ये Neo 7 Ultra के नाम से ये बड़ा फेमस इस टाइम इसकी डिवाइस चल रही है। इसके अंदर सेकेंड कलर है येलो, वो आपको बॉक्स कलर में मिल जाएगा, बाकी ये ब्लू कलर ये आपको इसका ब्लू में अवेलेबल है, ठीक है। ये भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके प्राइस हम शो करवा देंगे, जिस बार
कुछ चाहिए हो ठीक है ना, तो वो भाई के चैनल से तवस्सुस से वो रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह जितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकेगा वो हम इसके ऊपर आपको करते हैं। गाइस ये वन प्लस का N200 है, इसकी मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। N200 है, ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ है, 5000 mAh बैटरी है, ठीक है। साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है इसका, ठीक है। फ्रंट फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है। स्नैपड्रैगन इसका 480 इसका स्नैपड्रैगन है, प्रोसेसर में स्नैपड्रैगन बेसिकली बहुत ही एफिशिएंट कंपनी है, इस टाइम की लीडिंग कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है, और स्नैपड्रैगन से बाहर कोई भी प्रोसेसर नहीं, ठीक है। 480 का इसका प्रोसेसर है, 4GB रैम है इसकी। ये बेसिकली मिड रेंज का फ़ोन है वन प्लस का। वन प्लस के आपको पता होगा कि 2-2 लाख 1.5 लाख के फ़ोन हैं, ठीक है, लेकिन वैसे नहीं, लेकिन ये मिड रेंज के अंदर बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और इसके अंदर 4GB रैम है, 64GB इसकी मेमोरी है, 13 MP इसका मेन कैमरा है, 2 MP इसका सेकेंड कैमरा है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और ये 2 MP इसका माइक्रो कैमरे के साथ है, ठीक है। और 90Hz का इसका रिफ्रेश रेट है, 90Hz के अगर पबजी के ऊपर हम कोई गेमिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर देखा जाए तो 90Hz रिक्वायरमेंट होती है कि 90Hz का रिफ्रेश रेट हो। अगर इससे कम का कोई रिफ्रेश रेट होगा तो वो फिर आपको आपकी गेमिंग पर बड़ा ही इफ़ेक्ट करेगा। बाकी इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1080x2011 इसकी रेजोल्यूशन आता है। एंड्रॉयड इसका 11 है, बाकी खूबसूरत डिवाइस है, साइड क्रोम के साथ है, ड्यूल स्पीकर है, टाइप सी का इसका चार्जर है, और एमोलेड डिस्प्ले है इसका। ये मेरा नंबर आ रहा होगा भाई के चैनल पर, जिस भाई ने रब्ता करना हो ठीक है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह मार्केट से इंतहाई मुनासिब पैसों के अंदर ये फ़ोन आपको, अगर आप कहें तो आपको डिलीवरी भी हम करवा देंगे, और ये डिलीवरी इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी।